सरकार इंसानियत की आवाज़ न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम मुलाकात करवाएंगे बीबीपुर गांव के जो समाज सेवी हैं, जो पंचायत का कार्य भी संभाल रहे हैं, राम कुमार जी से, और इनसे गांव के बारे में विचार जानेंगे। तो स्वागत है सर इंसानियत की आवाज़ न्यूज़ में आपका। आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपनी तरफ से आपके चैनल के माध्यम से आपको और जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सरपंच को गांववासी बड़ी उम्मीदों के साथ सुनते हैं। इसलिए सरपंच का दायित्व बनता है कि जो भी सरकार की पॉलिसी होती है उसको गांववासियों को उनके बारे में अवगत कराएं, ताकि हर आदमी, अमीर गरीब आदमी, सभी उसका फ़ायदा उठा सकें। और सरपंच का ये भी दायित्व होता है कि अपने गाँव को तरक्की व उन्नति व साफ सफाई की तरफ अग्रसर करें। तो मेरा तो यही संदेश रहेगा कि हर आदमी को, जो भी समाज सेवी है या सरपंच है, अपने गांव को ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति और जैसे कि सरकार की जो जैसे कि सरकार की जो पॉलिसियां आती हैं आम आदमी को पता नहीं चल पाता, तो आप किस तरह से उनको गांववासियों को अवगत कराएंगे? ऐसा जी, गांववासियों को मिलकर के भी, उनके बीच में बैठ कर के भी उन पॉलिसियों के बारे में बताया जा सकता है, ताकि सबसे बढ़िया तो यही है कि उनके बीच में जाए आदमी और उनसे उन पॉलिसियों के बारे में बताए कि ये पॉलिसी सरकार की है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाया जाए। तो सर सरकार का सहयोग कैसा मिल रहा है आपको? सरकार का बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है। अच्छी, मेरे पास 10 लाख के लगभग राहत आ चुकी है और आगे भी मेरे गांव में कई काम सरकार की पॉलिसी में मंजूर हो चुके हैं और उनकी जाँच भी शीघ्र आ जाएगी। तो पंचायत की मीटिंग कब कब रखते हो सर आप? मीटिंग समय अनुसार मीटिंग रखते रहते हैं, 2 महीने 3 महीने में अपना मीटिंग रख लेते हैं। तो और कुछ हमारे चैनल के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहोगे? कुछ संदेश तो यही है कि मैंने जो बोला है यही मेरा संदेश है, किसी को ही आदमी अपना मेहनत और ईमानदारी से अपना कार्य करे, उसे मैं सभी की बधाई है।